हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पांच ऐसे सुपर फ्रूट्स के बारे में जो आपकी किडनी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और आपके किडनी में एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी को पहुंचाते हैं। साथ में ऐसे उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके किडनी के सेल्स को भी रिपेयर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें ताकि इससे और किसी किडनी रोगी की भी हेल्प हो सके। कुदरत ने हमको बहुत सारे वरदान दिए हैं, उसमें से एक वरदान है वृक्ष, और वृक्ष द्वारा हमको बहुत सारे फ्रूट्स पाए जाते हैं, हमको बहुत सारे फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके ऊपर कोई अभी रिसर्च ही नहीं हुई है और जो अभी रिसर्च में आने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी का इलाज नहीं है, बस हम लोग पीछे रह गए हैं, हम उनकी रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारा शक्ति है, कुदरत ने उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो आज हम पांच फ्रूट के बारे में जानेंगे, ये पांच फ्रूट आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइनएप्पल की। तो पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो कि इंडिया में कम पसंद किया जाता है, किसी किसी स्टेट में इसको ज़्यादा खाते हैं, बट अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसमें इसका कम यूज़ किया जाता है। पाइनएप्पल के अंदर बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। साथ में पाइनएप्पल जो होता है इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑर्गन्स के अंदर चलने वाली इन्फ्लामेशन को भी रोकता है। और पाइनएप्पल के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम पाइनएप्पल खाएंगे तो आपको 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पाइनएप्पल के अंदर डाइट्री फाइबर भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है, 1.5 ग्राम डाइट्री फाइबर मिलता है। अगर आप 100 ग्राम पाइनएप्पल खाएंगे तो उससे आपको 109 मिलीग्राम पोटेशियम मिलेगा। तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम होता है। और पाइनएप्पल के अंदर विटामिन सी 4% पाया जाता है, यानी 4 ग्राम आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो एक पाइनएप्पल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो एक किडनी पेशेंट को एक पीस डेली पाइनएप्पल खाना चाहिए शाम के समय में। अब बात करेंगे दूसरे फ्रूट के बारे में। तो दूसरे फ्रूट में क्रैनबेरीज आ जाती हैं। क्रैनबेरीज में बहुत सारी बेरीज आ जाती हैं। इंडिया के अंदर क्रैनबेरीज कहीं कहीं पाई जाती हैं। क्रैनबेरीज में जैसे आपके मकोए हो गए, ऐसे बेरीज होती हैं जो छोटे पौधों पर लगती हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं तो उसके अंदर बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। साथ में जो स्ट्रॉबेरी होता है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी भी होता है जो कि किडनी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। एक किडनी पेशेंट को डेली कम से कम 10 से 20 ग्राम स्ट्रॉबेरी का सेवन करना चाहिए, पके हुए स्ट्रॉबेरी का सेवन करना चाहिए। स्ट्रॉबेरी के अंदर जो पोटेशियम होता है वो भी कम होता है, फास्फोरस वो भी कम होता है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी भर भर के पाई जाती है। अब बात करेंगे रेड ग्रेप्स के बारे में। तो रेड ग्रेप्स जो होते हैं वो इंडिया में भी अभी बिकने लगे हैं, और रेड ग्रेप्स के अंदर बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं वो सारे किडनी पेशेंट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप 100 ग्राम रेड ग्रेप्स खाते हैं तो इससे आपको प्रोटीन 1 ग्राम मिलता है, फैट 0 ग्राम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट आपको 14 ग्राम मिलता है, फाइबर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में 1 ग्राम मिल जाता है, और शुगर भी आपको 12 ग्राम मिलता है। पोटेशियम इसमें आपको 120 मिलीग्राम मिलता है, तो पोटेशियम की भी मात्रा कम रहती है। इसलिए एक किडनी पेशेंट को रेड ग्रेप्स हैं वो अपने जो फ्रूट के टाइम में जरूर खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? तो 50 ग्राम तक आप रेड ग्रेप्स खा सकते हैं दोपहर के समय में, 3 से 4 बजे के बीच में। अब बात करेंगे हमारे चौथे फ्रूट के बारे में। तो हमारा चौथा फ्रूट रहने वाला है एप्पल। तो एप्पल तो हर किडनी पेशेंट को पता ही होता है कि कितना लाभदायक होता है। पहले के ज़माने में बोला भी जाता था एक सेब खाओ और हमेशा निरोगी रहो, तो सही बात है। सेब के अंदर बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ में इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके खाने को बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट करते हैं, और एप्पल के अंदर कई तरीके के जो एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी पाई जाती हैं। एप्पल के अंदर आपका, अगर आप 100 ग्राम एप्पल खाते हैं तो आपको 60 कैलोरी मिलती है। अगर आपको प्रोटीन की बात करें तो आपको 0.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है, फैट उसमें 0 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें 16 ग्राम होता है, और फाइबर 2 ग्राम के आसपास पाया जाता है। तो एप्पल एक बहुत ही ज़्यादा सुपर फूड है किडनी पेशेंट्स के लिए। अब बात करते हैं हमारे पांचवें फ्रूट के बारे में। जो हमारा पांचवा फ्रूट रहने वाला है यह है पपीता। पपीता जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है किडनी पेशेंट के लिए। पपीते के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है जिससे किडनी पेशेंट का पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। किडनी पेशेंट कुछ भी खाना खाता है तो अच्छे से उसका मल आता है
और जितना अच्छा उसका मल आएगा उतना अच्छा उसका शरीर रहेगा, उतनी अच्छी उसकी हेल्थ रहेगी। पपीते के अंदर भी बहुत तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो एक किडनी पेशेंट को डेली 50 ग्राम पपीता खाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।